ये देखें आप लोग, ये कितना जुल्म हुआ है, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये देखकर। ये वाला दरख्त भी देख लें, ये भी आंधी से टूट गया है और मुकम्मल जमीन पर आया पड़ा। आंधी चली तो नक्श कफे पा नहीं मिला, दिल जैसे मिल गया वो दोबारा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग आज की रूटीन में नहीं है, गुजरे हुए कल की रूटीन है। और सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मैं आगाज़ नहीं कर सका था, वो आप व्लॉग देख कर आपको समझ आ जाएगी। और जो मैंने शेर पढ़ा है वो भी उसी की मुनासबत से है, तो इंशाल्लाह आपको ले कर चलते हैं कल गुजरे हुए कल में। और आप व्लॉग देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं गुजरे हुए कल में। इस वक्त शदीद आंधी शुरू है तकरीबन पिछले एक घंटे से, बहुत ज़्यादा आंधी है और बड़ी तेज़ आंधी है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है हमारा दरख्त वगैरह का। और इसके अलावा आप बैकग्राउंड में देखें, बादल वगैरह आए हैं, मुमकिन है कि कुछ वक्त तक बारिश शुरू हो जाए। परेशान है वो बड़ी, आप मेरी हालत भी देखें, मट्टी मट्टी है मेरे सर में, आंधी में पड़े हैं बाहर बाहर तो नहीं पड़े लेकिन मतलब मट्टी तो आ ही जाती है। तो इस वक्त बहुत शदीद आंधी शुरू है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी देर आंधी रही है, तकरीबन दो से अढ़ाई घंटे तक आंधी चलती रही है। और अब थोड़ी रुक गई है आंधी, आंधी तो रुक गई है लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी सारे बादल हैं, छोटी छोटी सी वो हैं बारिश की बूंदें, वो आपको शायद कैमरे में नज़र नहीं आएंगी, मैं दिखाता हूँ। और जो आंधी है उससे बड़ा नुकसान हुआ है दरख्तों का। एक तो नुकसान हुआ है कि शहद की मक्खियाँ बैठी हुई थी दरख्त पर और वो पूरी की पूरी बेचारी नीचे गिर गई हैं, तो उनकी वो देख कर बड़ी तकलीफ़ हुई है मुझे। और बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, बहुत तेज़ आंधी थी और वो मैं नज़र में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप लोग देखें ये कितना जुल्म हुआ है, शहद की मक्खियाँ जो हैं शदीद आंधी की वजह से ना दरख्त से गिर गई हैं नीचे, और आधा ऊपर खड़ा है और आधा जो है वो नीचे पड़ा है। इस तरह तो बड़ी तकलीफ़ हुई है देख कर। ये आप देख सकते हैं जो आधा शहद है ना वो ऊपर दरख्त पर ही है, जो इसके बना हुआ था ना घर उसी में है, और आधा जो है वो बेचारा नीचे गिर गया है और अब पड़ा है अभी तक। हवा भी आंधी भी चल रही है माशाल्लाह, आंधी के बाद अब थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू है, तो बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, बहुत मज़ेदार। हालांकि हम सब दुआ कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश आए, बारिश का फ़ायदा है चावल की फसल के लिए। काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार में हैं कि कब बारिश आती है लेकिन आ नहीं रही थी, तो आज भी शायद कोई ऐसी खास नहीं आ रही, बस छोटी छोटी बूंदें हैं। तो अल्लाह करे कि शुरू हो जाए बारिश, काफ़ी ज़्यादा आ जाए तो बड़ा फ़ायदा है उसका, ताकि चावल की फसल जो है उसमें बेहतरी आए, बारिश से उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह दुआ तो करते हैं, अल्लाह करे बारिश शुरू हो जाए अच्छे वाली, बाकी देखते हैं। मौसम ठीक हो गया है और मौसम ठीक होते ही आप देखें कि गांव के जो शेड्यूल होता है वो तो शुरू हो जाता है। देखें आप, ये जानवरों का चारा है, ये काट के लेके जा रहा है, और अभी ये है कि अब यही से का मतलब टोका वगैरह करके तो जानवरों को डालेगा, भले बारिश हो या आंधी हो। अब जानवर तो भूखे नहीं रह सकते, उन्हें तो जो चीज़ खिलानी है वो खिलानी है। गांव वालों की ये ज़िंदगी होती है।
आपसे कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत सख्त आंधी थी और उससे बड़े नुकसान हुए हैं। तो पहला नुकसान आप लोग देख लें कि ये जो दरख्त है ये गिर गया है। ये हालांकि सायादार दरख्त था घर के पास ही और इसका बड़ा फ़ायदा था, मतलब साया वगैरह बेहतरीन था। तो अब ये मुकम्मल तौर पर गिर गया और अब इसकी कटाई वगैरह कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अब तो लकड़ियाँ जलाई जाएंगी, उसके अलावा तो कोई मतलब और तो ज़रूरत हो नहीं सकती इनकी इनसे पूरी। तो ये बड़ा नुकसान है और बहुत ज़्यादा नुकसान है, चूँकि सायादार दरख्त था और वो ऐसा आंधी से गिरा दिया है। तो यही नुकसान मैं आपको बता रहा था और मज़ीद भी हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला दरख्त भी देख लें, ये भी आंधी से टूट गया है और मुकम्मल ज़मीन पर आया पड़ा है। मुकम्मल तो नहीं, खैर आधा खड़ा है और जो आधा है वो भी मतलब टूट गया है, वो बस कुछ ही आसरे पर खड़ा है और इसके बाद वो भी गिरने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं इस आंधी की वजह से, काफ़ी सारे दरख्त गिरे हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो काफ़ी देर इंतज़ार किया है, बारिश का बड़ी दुआएं मांगी हैं कि बारिश आए, लेकिन बारिश नहीं आई। हमारी बात किस्मती है बैड लक है कि जो बारिश हैं वो नहीं आई, हालांकि बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी उम्मीद थी। आज मौसम भी ऐसा बन गया था, बादल वगैरह आंधी वगैरह तो वाज़ था कि आज बारिश आएगी, लेकिन आई नहीं है। तो जो सूरत हाल है मतलब चावल की फसल की, मैं अपने कैमरा मैन को कहता हूँ कि वो आपको इस तरफ दिखाता है। तो अगर बारिश आ जाती है अच्छी बारिश, तो इस जो चावल की फसल है इसने मज़ीद इतना बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत हो जाना था। तो क्या कर सकते हैं, अब तो खैर चांस भी नहीं है। अब तो मुकम्मल तौर पर मौसम ठीक हो रहा है, बादल जो थे वो आगे की तरफ गुजर गए हैं, तो अब लगता नहीं कि अब बारिश आएगी, लेकिन अल्लाह के कामों का पता कोई नहीं है, हो सकता है कि अभी आ जाए। अच्छा, बारिश भले ही थोड़ी आई है, इतने ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन चावल की फसल के लिए चलो जितनी भी आई है बेहतरीन है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और इसमें जो दवाई वगैरह डालनी है ना, मैंने वो मैंने मंगवा के रखी हुई थी, तो अब मैंने एक बंदे को कॉल किया जो दवाई वगैरह डालता है, जिसको तजर्बा है, जहर वगैरह होती है ना, तो तजर्बे वाले बंदे का ही काम होता है। तो वो अब आ रहा है इंशाल्लाह, तो वो इसमें डलवाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। पूरी करनी है इस वाले हिस्से में दवाई वगैरह डलवा लिया और अब उस तरफ ज़मीन थी थोड़ी सी, उधर डाल रहा है बंदा। और अब ये इस दवाई वगैरह का काम तो तमाम हो गया, अब अल्लाह करे आप लोग भी दुआ करें कि बारिश आ जाए। हालांकि अभी तो चांस नहीं है, बादल वगैरह चले गए हैं, लेकिन फिर भी दुआ करें कि अल्लाह करे बारिश आ जाए, तो फिर बड़ा फ़ायदा है, फिर बहुत मज़ा आएगा मतलब चावल की फसल देख कर। दवाई वगैरह डलवा कर हम लोग वापस आ गए हैं, तो आज के व्लॉग का भी मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। मैं असल में आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जब आंधी या बारिश आती है तो गांव का क्या सूरत हाल होती है, गांव का क्या माहौल होता है। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।